नमस्कार, स्वागत है आपका एसीबी नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरह से बार बार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, उससे यह समझा जा सकता है कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी ओर टीएमसी की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनेक वरिष्ठ नेताओं और कई विधायकों का साथ छोड़ने के बावजूद जिस तरह से भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर है, उससे साफ है कि आने वाले चुनाव उनके लिए करो या मरो जैसा बन गया है। अगर हम एक दशक पहले की बात करें तो ममता परिवर्तन के जिस नारे के साथ वाम मोर्चे को बेदखल कर सत्ता में आई थी, वही नारा आज उनके लिए कसौटी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक रैली में कहा भी कि बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2 सीटें और 10% मत ही मिले थे। उसके बाद उसने वहां लगातार आधार बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने न केवल राज्य की 42 सीटों में से 18 सीटें जीती, बल्कि उसका वोट भी बढ़कर 40% हो गया है। हालांकि यह भी सच है कि उसने चुनाव में तृणमूल ने 43% वोट हासिल किए और भाजपा को जो वोट मिले थे उसके बाद वाम मोर्चे का 27% और कांग्रेस का 6% हिस्सा था। इस बार वाम मोर्चा और कांग्रेस साथ में जरूर है, लेकिन अभी तक के हालात यह हैं कि वहां टीएमसी और भाजपा ही आमने सामने हैं। हर चुनाव में वोटों का अपना गणित होता है, लेकिन भाजपा ने हाल के वर्षों में बंगाल में जिस तरह का विस्तार किया है, उसने ममता के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है। वह आज खुद को बंगाल की बेटी बताकर भावनात्मक नारा उछाल रही है, लेकिन यह भी सच है कि वाम मोर्चे को बेदखल करने के बाद वह राज्य में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकी। उसके उलट उन पर अपने भतीजे को आगे बढ़ाने के आरोप लगे, जिसके कारण पार्टी के कई नेता उनका साथ छोड़ गए। दूसरी ओर जिस आक्रामकता के साथ पेश आ रही है बीजेपी, उससे बंगाल एक नए तरह के सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव के मुहाने पर खड़ा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा का परिवर्तन का नारा ममता के 10 साल पुराने परिवर्तन के नारे की कार्ड बना पाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एसीपी नेटवर्क।